जैसे ही सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, दीपक का प्रकाश धीमा होता है। जैसे ही परमात्मा का प्रकाश बढ़ेगा, आपके अंदर आत्मा का प्रकाश बढ़ेगा, अपने आप ही कामनाओं का जो प्रकाश है वो धीमा होगा। फिर इच्छाएं परेशान नहीं करेंगी, उनका जो रस है, उनका जो टेस्ट है वो परेशान नहीं करेगा। फिर परमात्मा का रस ही इतना अच्छा लगेगा कि वही बढ़िया लगेगा। जैसे ऊंची ध्वनि के सामने जो धीमी ध्वनि है सुनाई नहीं देती, ऐसे ही परमात्मा के सम्मुख संसार की सभी मेटेरियलिस्टिक चीजें तुच्छ दिखती हैं, कुछ भी नहीं दिखती हैं। फिर लगता है बस वही ईश्वर सब कुछ है। तो उसी ओर मन को आप मोड़ते चले जाइए। निराहारी यह शब्द जो प्रयुक्त हुआ है, ये बोलता है विषयों से दूर रखना। अब तपस्वी निराहारी है, वह शरीर से विषयों को दूर करता है, विषयों से निवृत्ति पाना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। जो भोगी है वो शरीर से विषयों को प्राप्त करना चाहता है कि विषय मिल जाएंगे, शरीर के द्वारा मिलेंगे, सब कुछ शरीर के द्वारा सदेगा। तो शरीर इंपॉर्टेंट हो गया निराहारी के लिए भी और भोगी के लिए भी। बॉडी ओरिएंटेशन हो जाती है, यानी बॉडी ही इंपॉर्टेंट है। तो शरीर को सब कुछ मान के जी रहा है, परंतु जो योगी है वह इन दोनों से अलग, वो शरीर को साधन नहीं मान रहा है। वह जानता है कि शरीर से ना तो विषय दूर होंगे ना पास होंगे, आपको अंदर से ही उस लालसा को खत्म करना होगा। जो भोग योनी है, चार्वाक प्रिंसिपल है, वह कहता है कि उधार का घी लो और खाओ, भोगो, दुखों को कम करो, सुखों को बढ़ाओ। बुद्धिमत्ता यही है। अगर कोई व्यक्ति दुख के कारण सुख छोड़ता है तो वह बेवकूफ है। जैसे भूसे के डर से आप गेहूं को छोड़ दें तो ये आपकी बेवकूफी होगी। आप भूसे के डर से गेहूं को नहीं छोड़ते, ऐसे ही दुख के कारण आप सुख को नहीं छोड़ते हैं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो चार्वाक कहता है मौज मस्ती करो, जियो जिंदगी को, सभी सुख इंद्रिक हैं। इंद्रियों से ही तो सुखों को जाना है हमने। हमने सूंघा, हमने खाया, हमने छुआ, सब कुछ तो इस इंद्रियों के द्वारा है। तो इंद्रिक सुख है सब कुछ, तो भोगो। परंतु गीता कहती है कि नहीं, ये जो इंद्रियां हैं इन्हें आप परमात्मा की ओर लगाइए, तभी आपको मुक्ति और शाश्वत प्रसन्नता मिलती है। इंद्रियां ब्रिज हैं, रस इच्छा जो हमारे अंदर की है और बाहर के विषयों के बीच में एक ब्रिज है, सेतु है। आप इंद्रियों को परेशान करेंगे, इंद्रियों को तोड़ेंगे, निराहार पकड़ लेंगे कि विषयों को दूर कर दें, तो इससे क्या होगा, रस विषयों तक नहीं पहुंचेंगे। मन तो कर रहा है बाहर की चीज भोगने का, आपने आंखों पे पट्टी बांध दी, आपने अपने आप को रोक लिया, तो उससे क्या होगा, कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। इंद्रियां, वह सेतु टूट जाएगा, परंतु अंदर तो उसकी इच्छा चलेगी। कोई वजन घटाना चाहता है, डाइटिंग करना चाहता है, उपवास करना चाहता है, यदि अंदर से ही वह इच्छा नहीं उत्पन्न हुई है तो कितनी बार भी संकल्प लीजिए सब टूट जाएंगे। भीतर से वह इच्छा, वह रस तोड़ना है जो विषयों की तरफ दौड़ता है। मिठाई की तरफ जो रस दौड़ रहा है, अच्छे खाने की तरफ जो रस दौड़ रहा है, बस उसे ठीक कीजिए। विषयों को दूर करने से कुछ नहीं होगा, आपके संकल्प दो दिन में टूट जाएंगे। लोग उन इंद्रियों पर अत्याचार करते हैं या विषयों को दूर करना चाहते हैं, नहीं, इन पर प्रयोग नहीं कीजिए, अपने रस पर प्रयोग कीजिए। नहीं तो फिर वही चीजों को आप रात को सपने में देखेंगे। जिस मित्र को आप प्रेम करते हैं वही मित्र रात में सपने में आएगा। जिस भोजन को आप करना चाहते हैं वह भोजन सपने में आएगा। जिस ड्रेस को आप पहनना चाहते हैं वह ड्रेस सपने में आएगी। जो जो चीजें आप चाहते हैं वो सब कुछ सपने में फिर आकर तंग करता है। तो वह व्यक्ति योगी है जो अपने भीतर कंट्रोल करता है, अपने आप को साधता है।